हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है क्लास 11th का, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड टू फाइंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसके लिए जो अपरेटस रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले एक वुडन ब्लॉक विद हुक ऑन वन साइड, सेकेंड 50 ग्राम वेट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पुली एट वन एंड एंड ए स्प्रिट लेवल, ए पैन, ए स्प्रिंग बैलेंस एंड थ्रेड। तो ऑपरेटस है, सबसे पहले ये देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके साथ एक ये पुली अटैच है, क्लियर। सेकेंड ये वुडन ब्लॉक, इसके एक साइड में हुक लगा हुआ है जिसको हम थ्रेड से बांध सकते हैं। ये पैन, इसके अंदर हम वेट पुट कर सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस, जिससे वेट को मेजर किया जा सकता है, जिसको वेट करना हो इस हैंगर के अंदर इसमें हैंग कर देंगे और इसमें हमें ग्राम्स के अंदर जो है वैल्यू मेजर कर सकते हैं। वेट बॉक्स, इसके अंदर वेट्स हैं 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम और 1 ग्राम तक। सबसे पहले वुडन ब्लॉक का वेट मेजर करेंगे स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। इस वुडन ब्लॉक को हुक के अंदर हैंग करेंगे। इस वुडन ब्लॉक का वेट है 150 ग्राम। इसके बाद पैन का वेट मेजर करेंगे। पैन को हुक के अंदर हैंग करेंगे और इस पैन का वेट है इस पैन का वेट आ रहा है 15 ग्राम। वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक कैपिटल W 150 ग्राम वेट, और वेट ऑफ द पैन इसको कैपिटल P से डिनोट करेंगे, ये 15 ग्राम वेट। अपरेटस को सेट करेंगे, इस थ्रेड का एक एंड वुडन ब्लॉक के एंड से टाई करेंगे और इस तरह से सेट करना है। फर्स्ट रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे, इस वुडन ब्लॉक के ऊपर कोई वेट नहीं रखना। उसके बाद पैन में वेट रखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ रख दिया 50 ग्राम। तो इसकी वुडन ब्लॉक की कोई मूवमेंट नहीं होगी। अब इसके अंदर हम और वेट ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 20 ग्राम, और ये 20 ग्राम रखने के बाद इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। इसको थोड़ा सा टैप करेंगे और ये इसमें जो है मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। पैन के अंदर वेट है 70 ग्राम और इसको नोट करेंगे। अब वुडन ब्लॉक के ऊपर 50 ग्राम का वेट प्लेस करेंगे सेकंड रीडिंग के लिए, और उसके बाद पैन के अंदर वेट ऐड करेंगे। पैन के अंदर मैंने 50 ग्राम का वेट रखा है, तो ब्लॉक की कोई मूवमेंट नहीं होगी। इसके बाद हम और वेट ऐड करेंगे। 50 ग्राम वेट को हटा के इसके अंदर हम 100 ग्राम का वेट ऐड करते हैं, और इसको थोड़ा सा टैप करेंगे और देखो इसकी जो ब्लॉक की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। पैन के अंदर वेट है 100 ग्राम, वुडन ब्लॉक के ऊपर वेट है 50 ग्राम। थर्ड रीडिंग के लिए वुडन ब्लॉक के ऊपर वेट रखेंगे 100 ग्राम। उसके बाद पैन में वेट ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 100 ग्राम इसके अंदर, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। इसके बाद इसमें और वेट ऐड करेंगे। इसमें मैंने ऐड किया है 20 ग्राम, अभी भी इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। इसके अंदर अब 20 ग्राम और ऐड करते हैं, और 140 होने के बाद इसकी जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। रीडिंग के लिए इसके ऊपर वेट रखेंगे 100 प्लस 50 150 ग्राम। उसके बाद पैन में वेट ऐड करेंगे। सबसे पहले 100 ग्राम, अभी कोई मूवमेंट नहीं होगी। उसके बाद इसमें 50 ग्राम और प्लेस कर दिया 150। इसको थोड़ा सा टैप करेंगे। अब
अब इसमें 20 ग्राम और ऐड करेंगे और ये वेट ऐड करने के बाद इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो पैन के अंदर वेट है 170 ग्राम और ब्लॉक के ऊपर वेट है 150 ग्राम। फिफ्थ थ्रेडिंग, इसमें ब्लॉक के ऊपर वेट है 200 ग्राम, 100, 50 और 50 और पैन के अंदर वेट है 100, 20, 20, 20 और 20, टोटल 180 ग्राम और इसमें ब्लॉक की मूवमेंट होगी। टेबल के अंदर सबसे पहले वेट ऑन द ब्लॉक 0 रखा था हमने, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ द ब्लॉक प्लस वेट ऑन द वुडन ब्लॉक। तो W हमारे पास था 150 ग्राम, 150 प्लस 0 150 आ गया। पैन के अंदर वेट था 70 ग्राम, टोटल फोर्स आएगा पैन का वेट प्लस पैन के अंदर जितना वेट रखा हुआ था, तो 70 प्लस 15 85, म्यू कैलकुलेट करेंगे 0.566। सेकंड रीडिंग के लिए ब्लॉक के ऊपर 50 ग्राम का वेट रखा था तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया 150 प्लस 50 200, पैन के अंदर वेट था 100 ग्राम, टोटल फोर्स आ जाएगा 100 प्लस 15 115, म्यू कैलकुलेट करेंगे 0.575। सिमिलरली बाकी तीनों रीडिंग भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे और म्यू कैलकुलेट करेंगे, तो मीन वैल्यू ऑफ म्यू ये हो जाएगी 0.566 प्लस 0.575, 0.775, 0.616 प्लस 0.557 और डिवाइड बाय 5 करेंगे, इनका मीन लेने के बाद जो आंसर आएगा 0.61। तो मीन वैल्यू ऑफ म्यू आ गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.61।